बच्चों, कनेक्ट एट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ प्रकाश, छायाएं और परिवर्तन। इस पाठ में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे: छाया के विषय में, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं को, इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर, इस पाठ से जुड़े कुछ शब्द। बच्चों, जब भी हम दिन के वक्त कहीं बाहर जाते हैं तो हम कई वस्तुओं को देखते हैं, जैसे बस, कार, वृक्ष, फूल और भी कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। परंतु अगर रात्रि के वक्त इसी स्थान पर जाया जाए तो हमें यह चीज़ें इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती, और कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं दिखती। अगर तुम एक अंधेरे कमरे में जाओ तो तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जब तक कि वहाँ किसी प्रकार के प्रकाश ना हो या कोई रोशनी का स्रोत ना हो। अंधेरा कमरा काले रंग का ही दिखेगा, फिर चाहे वहाँ कितनी ही वस्तुएं मौजूद हों। जब हम मोमबत्ती या टॉर्च लेकर उस कमरे में जाते हैं तब हमें वहाँ कई प्रकार की वस्तुएं दिखने लगती हैं। इसका अर्थ यही है कि बिना प्रकाश के हमें कुछ दिखाई नहीं देता। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारा सहायक होता है। आकाश में सूर्य एक ऐसा पिंड है जो धरती को प्रकाशित करता है, जिसके कारण दिन के वक्त हमें वस्तुएं आसानी से देखने जाती हैं। टॉर्च का भी वो अपना प्रकाश है। टॉर्च का बल्ब खुद ही रोशनी फैलाता है, जिससे अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं प्रकाश होता है और वह दूसरी चीज़ों को प्रकाशित करती, उन्हें दीप्त कहते हैं। सूर्य इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। सूर्य अपने प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जूता, कपड़ा, किताब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रकाश नहीं होता, अर्थात इन्हें दीप्त वस्तुओं की सहायता चाहिए होती है दिखने के लिए। जब किसी वस्तु के आर पार देखना संभव ना हो तो ऐसे वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जब किसी वस्तु के आर पार देखना संभव होता है, अर्थात प्रकाश इस वस्तु के आर पार यानी अंदर बाहर हो सकता है, ऐसे वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जब किसी वस्तु के आर पार देखना इतना स्पष्ट तरीके से ना हो सके तब ऐसे वस्तु को पारभाषी वस्तु कहते हैं। आओ बच्चों, इन बातों को क्रियाकलाप से समझते हैं। क्रियाकलाप: अपने दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले सभी वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, जैसे रबड़, पेंसिल, स्केल, नोटबुक, पेज, और फिर इन वस्तुओं से किसी दूर रखे वस्तु जिसे प्रकाश आ रहा हो उसे देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए किन वस्तुओं से प्रकाश आर पार होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है और आपको वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अथवा किन वस्तुओं में से प्रकाश वाली वस्तु एकदम नहीं दिखा या फिर थोड़ा बहुत दिख रही है। इस बात की सूची चित्र 11.1 में दिए सारणी के अनुसार बनाएं। इस सारणी से हम यह समझा पा रहे हैं कि किसी भी वस्तु का पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी होना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी वस्तु प्रकाश को अपने अंदर प्रवेश करने देता है या नहीं। वस्तु के आर पार पूर्णतः, थोड़ा बहुत या एकदम नहीं दिखाई देता। क्रियाकलाप एक: आप धूप में किसी अपारदर्शी वस्तु को धरती से कुछ ऊंचाई पर हाथों में पकड़िए। आप देखेंगे कि धरती पर एक काला धब्बा बनता है। इस धब्बा को ही छाया कहते हैं। छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही बनता है। कभी कभी आप छाया से उसकी वस्तु को पहचान सकते हैं। धूप में धरती पर एक कागज बिछाकर किसी अपारदर्शी वस्तु को हाथों में इस प्रकार पकड़ें ताकि उसकी छाया उस कागज पर पड़े। और अब अपने मित्रों को छाया की बाहरी हिस्से का रेखाचित्र खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का रेखाचित्र अपने मित्रों द्वारा खिंचवाएं। अब इन रेखाओं को देखकर वस्तु को पहचानने का प्रयास करें। क्या आप अंधेरे कमरे में या रात्रि के समय किसी वस्तु की छाया को देख सकते हैं? जी नहीं, अंधेरे में कोई भी वस्तु की छाया नहीं बनती। इससे यह बात समझ में आती है कि छाया बनने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब प्रकाश होगा और अपारदर्शी वस्तु होगी तभी छाया का निर्माण होगा। क्रियाकलाप दो: आप अगर गत्ते की शीट और टॉर्च लेकर रात्रि के समय मित्र के साथ किसी खुले मैदान में जाएं, जब धरती की ओर से टॉर्च को इस प्रकार पकड़ें ताकि उसका प्रकाश आपके मित्र के ऊपर पड़े। अब आप देखेंगे कि अगर वहाँ पर कोई भी वृक्ष, कोई इमारत मौजूद नहीं है तो वह किसी प्रकार की छाया नहीं बनेगी। अब आप उस गत्ते की शीट को अपने मित्र के पीछे पकड़कर खड़े हो जाएं और फिर टॉर्च की रोशनी का प्रकाश मित्र पर डालें। आप देखेंगे कि अब
उसकी छाया उस गद्दे की सीट पर पड़ रही है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। जमीन, कमरे की दीवारें, इमारतें अथवा ऐसी कोई भी सतह पर्दे का काम करती है जिस पर छायाएं बनती हैं। छाया आकृति से वस्तु को समझना आसान हो जाता है, आसानी से वस्तु को समझा जा सकता है, परंतु कई बार छाया की आकृति वस्तु के विषय में भ्रमित भी कर देती है। इस बात का हम क्रियाकलाप से देख सकते हैं। क्रियाकलाप 3, आप विद्यालय के मैदान में सूर्य के प्रकाश में कुर्सी निकाल कर रखिए। आप देखेंगे कि कुर्सी की छाया से आप कुर्सी का अनुमान नहीं लगा सकेंगे। अगर आप कुर्सी को थोड़ा घुमा दें तब भी छाया की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। विभिन्न रंगों के फूलों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। जब इसकी छाया बनेगी तो क्या आप इनके रंगों का पता चलेगा? एक पतली नोटबुक और एक आयतकार डब्बा दोनों को लेकर सूर्य के प्रकाश में देखिए। इन दोनों की छाया समान नहीं लगती है, अर्थात इनकी छाया की आकृति से इनका पता लगाना सरल नहीं है। एक बड़ा डब्बा लेकर उसे सूर्य के प्रकाश में आगे पीछे कीजिए। आप देखेंगे कि जब डब्बा सूर्य के नज़दीक जाएगा तो उसकी छाया बड़े आकार की होगी, परंतु जब डब्बा सूर्य के प्रकाश से दूर रहेगा तो उसकी छाया छोटे आकार की होगी। बच्चों, क्या तुम कैमरा बनाना चाहते हो? तो चलो आज हम सरल सूची छिद्र कैमरा बनाएंगे। आप दो बॉक्स लीजिए। बॉक्स इस प्रकार का हो कि जो एक दूसरे में आसानी से चला जाए। जो छोटा बॉक्स है जो कि बड़े बॉक्स के भीतर चला जाएगा। आप इन दोनों बॉक्स के एक एक छोटे फलक काट लीजिए। बड़े बॉक्स को लेकर उसके दूसरे फलक में एक छोटा सा छेद करिए, बिल्कुल चित्र 11.5 में दिखाए अनुसार। ठीक है, ऐसे ही छोटे डब्बे के दूसरे भी फलक में एक वर्गाकार जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो काट लें। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका कर ढक दीजिए। अब आपका सूची छिद्र कैमरा तैयार है। इस कैमरे से देखने के लिए सूची छिद्र कैमरे का खुला भाग अपनी आँख की ओर रखें और अपने सर से कैमरे के छिद्र वाले भाग को एक काले कपड़े से ढक लें। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस वस्तु को देखना चाहती हैं वह धूप में मौजूद हो, अर्थात कोई भी वृक्ष, इमारत धूप में मौजूद हो। अब आप इस छिद्र से उस वस्तु को देखें। क्या आपको अभी भी उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान ही लग रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का लग रहा है इसका अनुभव करें। सड़क पर गतिशील वाहनों को इस कैमरे से देखें। क्या इनका प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा? कैमरे से देखे गए चित्र के रंग जैसे दूसरी और हैं वैसे ही दिख रहे हैं। आइए अब हम सूर्य के प्रतिबिंब को देखते हैं। इसके लिए हम थोड़ी अलग व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते का बड़ा शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा एक सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें ताकि उसकी छाया साफ क्षेत्र में पड़े। क्या आप सूर्य का प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य से देखते हैं? सूर्य ग्रहण के समय अपनी जगह से सूर्य का सूची छिद्र के माध्यम से प्रतिबिंब देखें। सूची छिद्र और पर्दे को इस प्रकार सुव्यवस्थित करें जिससे सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट रूप से पड़े। अब सूर्य ग्रहण होने पर पर्दे पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप देखेंगे कि सूर्य का एक भाग धीरे धीरे काला होता जा रहा है। सूर्य को कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आंखें खराब हो सकती हैं। हमारे प्रकृति में भी सूची छिद्र बना है। जब हम सड़क पर जाते हैं तो कोई भी ऐसा वृक्ष जिसमें कई सारे पत्ते लगे होते हैं, हम देखते हैं कि वो पत्ते सूर्य के प्रकाश में धरती पर अपना प्रतिबिंब बना रहे होते हैं और उन पत्तों के बीच से सूर्य का प्रकाश वर्गाकार में धरती पर मौजूद होता है। यह पत्ते सूची छिद्र का काम करते हैं। इन सभी बातों से हमें यह समझ आता है कि जब प्रकाश सरल भाव में एक दिशा में होता है तभी प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है। क्रियाकलाप, आइए पाइप का छोटा टुकड़ा और रबड़ की लंबी नली लेते हैं। अब कमरे के एक कोने में मोमबत्ती जलाकर रखें और दूसरे कोने में खड़े होकर पाइप से इस मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई दे रही है? जब मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए और मोड़ने के बाद अनुभव करें कि आपको मोमबत्ती दिख रही है। उसे थोड़ा बाएं और दाएं घुमाकर भी अनुभव करें मोमबत्ती दिख रही है। और दिख रही है तो कैसे? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल दिशा में सरलता से गमन करता है और जब उसे कोई अपारदर्शी वस्तु रोकती है तब उसकी छाया का निर्माण होता है। बच्चों, दर्पण के विषय में हम सब जानते हैं। दर्पण हम सभी के घरों में है। हम अपने रोज़ के जीवन में दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं।
दर्पण में जो हम देखते हैं वो वस्तु का परावर्तन होता है। हम देखते हैं कि दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखी है हम उसे दर्पण में देख सकते हैं, परंतु हम वस्तु को नहीं उस वस्तु के परावर्तन को देख पाते हैं। कभी कभी झील या तालाब के पानी में भी हम वृक्ष, इमारतों और कई अन्य वस्तुओं का परावर्तन देख सकते हैं। क्रियाकलाप, यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। इसे करने के लिए बच्चों तुम एक टॉर्च ले लो और अपने मित्र को दर्पण लेकर एक कोने में खड़े हो जाने को कहो। तुम उस टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक दो। उंगलियों के बीच कुछ जगह रहने देना जिसे प्रकाश बाहर निकले और फिर टॉर्च का प्रकाश उस दर्पण पर करो। तुम देखोगे वह प्रकाश दर्पण से परिवर्तित होकर दूसरी ओर पड़ रहा है। अगर उस स्थान पर तुम्हारा दूसरा मित्र खड़ा हो तो वह प्रकाश उस पर पड़ेगा। इस क्रियाकलाप से हम यह समझते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल दिशा में गमन करता है, परंतु जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपनी ओर से परावर्तित कर देता है। क्रियाकलाप, एक बड़े से थर्माकोल की शीट के किनारे एक कंघी और दूसरे किनारे पर दर्पण रखें। जिस प्रकार 11.9 चित्र में दर्शाया गया है, कंघी के सामने गहरी रंगीन शीट बिछाएं और इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए, अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। अब आप इसकी तस्वीर को चित्र में दर्शाए मुताबिक पाएंगे। पाठ से जुड़े कुछ कठिन शब्द। पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु क्या है? दीप्त क्या है? छाया किसे कहते हैं? परावर्तन का क्या अर्थ है? प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।